हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो इनकी हेयर लेंथ आप देख सकते हैं, मीडियम हेयर है और पहले से भी इनके बालों पे लेयर स्टेप्स हो रखा है, तो अभी जो स्टेप्स हैं काफ़ी अच्छा दिख रहे हैं, ज़्यादा अभी लेंथ बढ़ी नहीं है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगी, फ्रंट से थोड़ा सा हेयर को शॉर्ट कर दूँगी और जो बैक वाले जो पीछे के हेयर बचेंगे ना, उसको मैं वन स्ट्रोक में फेदर लेयर कट करने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड कर लेना है, है ना। और जो सामने का हेयर है उसको तो थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो बीचों बीच से हेयर को लेना है, मीडियम लेयर को यहाँ से आपको पिक करना है और इसकी जो लेंथ है आप हमेशा चिन के थोड़ा सा नीचे लाके ही कट करेंगे। उसका क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको अभी जैसे जैसे कटिंग होते जाएगा मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे गाइडलाइन के हिसाब से साइड वाले हेयर को भी देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा कट करके इसको छोटा कर दूंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, जो फ्रंट की जो पहली लेयर कट होती है ना, इससे हमारा जो फेस लुक है वो बहुत अच्छा दिखता है, काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको थोड़ा आप हमेशा शॉर्ट करके ही कट करें। शॉर्ट का मतलब है आपको चिन से नीचे लाके ही कट करना है। अब जो साइड वाले हेयर को हैं इनको क्या करना है, एक साथ में ऐसा उठा लेना है और एक ही बार में मैं इसको कट करूंगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऑलरेडी पहले से भी इनके बालों पे लेयर स्टेप्स हो रखा है, तो इसको मैं इस तरीके से सामने की तरफ लाऊंगी और एक ही बार में कट लगा दूंगी। तो बहुत अच्छे से जो भी स्टेप्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे और बहुत अच्छा लुक भी आ जाएगा, है ना। ये देखिए, तो उसके बाद में थोड़ी थोड़ी सी नोचिंग कर देनी है। अगर हेयर बिल्कुल सिंपल होते, कोई कटिंग नहीं होती, तो फिर मैं सेक्शन वाइज हेयर को डिवाइड करती और कटिंग करती। सेक्शन वाइज कैसे करना रहता है उसकी वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर जैसे कि इनको फ्रंट हेयर कट लेना था, क्योंकि सामने का हेयर काफ़ी बढ़ चुका था, तो फिर साथ ही साथ मैंने जो है इस तरीके से इनके बालों पर वन स्ट्रोक में फेदर कट भी किया हुआ है। तो ये फेदर लेयर है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही कट होता है और कटिंग कराते रहने से लेंथ भी अच्छी बढ़ती है बालों की और अच्छे हेल्दी हेयर भी रहते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि कट कराएंगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा कट आपको कुछ कुछ टाइम के बाद लेते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड का हो चुका है और उसके बाद में फेस लुक को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो फ्रंट से है ना वहाँ से आपको फिर से एक मीडियम लेयर को उठाना होगा। तो देखिए मैं आपको बोल रही थी ना कि चिन के नीचे से कट करना, तो चिन के नीचे से कट करने से होता क्या है कि जब आप सामने में ऐसा हेयर को रखेंगे तो देखिए कितना सुंदर लुक दिख रहा है। हेयर चिन के ऐसा कान के जस्ट नीचे आके दिख रहा है ना, तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं हेयर। तो ये जो फ्रंट कटिंग है इसको आप हमेशा अपनी क्लाइंट की पसंद के हिसाब से रखना है। तरीका आपको यही रखना है, छोटा बड़ा आप उनके हिसाब से रखेंगे, क्योंकि सबकी अपनी पसंद होती है, किसी को मीडियम, किसी को शॉर्ट, तो किसी को थोड़ा सा लॉन्ग अच्छा लगता है। बट अभी जो मैं कर रही हूँ ये मीडियम है, ना बहुत शॉर्ट ना बहुत लॉन्ग। तो इसे आप जो है पफ बना के भी सामने रख सकते हैं थोड़ा सा निकाल के, या फिर आप साइड में ऐसे भी रख सकते हैं। तो मेरा जो सेकंड चैनल है ऑल अबाउट संगीता गाइस, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ। तो जितना जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी। तो ये रहा इनके हेयर कटिंग का फाइनल लुक, मैं सेटिंग वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि इसके बाद में इनको हेयर स्पा लेना है। चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आपको कोई डाउट्स रहे, कुछ पूछना हो तो इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा आईडी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।